नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल सुरेश चंद्र ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा रेडियो चैनल जो संजोए बैठा है उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खेती बाड़ी, गांव गुठा, गंगोत्री यमुनोत्री, बद्री केदार, बड़ों का आदर और छोटों का प्यार। इस रेडियो स्टेशन का नाम है दोस्तों रेडियो गढ़वाणी। 19.8 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे देख सकते हैं और दोस्तों इसे खूब सपोर्ट करें ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे। दोस्तों, ये खूबसूरत वादियों में बसा एक पॉइंट ये स्टेशन जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार के नजदीक बल्ली खाल के पास उत्तरछा भरतनगर में स्थापित है और ये बहुत सुंदर लोकेशन और बहुत सुंदर जगह में उत्तराखंड की तमाम चीज़ों को संजोए बैठा है। दोस्तों चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों उत्तराखंड के रेडियो स्टेशन में। जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड और रेडियो स्टेशन के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही YouTube चैनल सुरेश चंद्र ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने पैतृक और अपना जो मेरा असली जहां से मैं हूं, मैं वहां के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसे रेडियो चैनल पे लेके आया हूं जो हमारी भाषा, हमारी बोली और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं आज आपको लेकर आया हूं रेडियो गढ़वाणी के स्टूडियो में। और दोस्तों, आओ आपसे मिलवाता हूँ मैं यहाँ पर जो लगभग यहाँ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पर श्री दीपक देव सागर सर से। सर नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका 90.8 FM रेडियो गढ़वाणी में। और आज हमारे बीच में है सुरेश चंद्र जी और ये ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं और अभी नया नया ब्लॉग इन्होंने शुरू किया है और ये चाहते हैं कि अपनी बोली भाषा, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए ये लोग अपना अपने प्रयास पे हैं। तो अब जानते हैं इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की वाणी से कि ये इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को, मतलब या जितने भी अपनी हमारी जितने भी लोग हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि जिस तरह से यहाँ पर ये हमारे उत्तराखंड, ये मैं जो ये रेडियो गढ़वाणी के माध्यम से आप उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड के जो लोग शहरों में चले गए हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने कल्चर को जानते नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उन लोगों तक आप अपने कल्चर को पहुंचा रहे हो, ये पहले तो सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और तहे दिल से चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या है, हमने अभी तक हम हैं क्या, हम लोग भी उत्तराखंड में रहते थे, हम लोगों का भी प्लान हो गया, हम वहाँ रहे, जब हमें पता ही नहीं चला तो आज हम अपनी संस्कृति को ढूंढते हुए फिर वापस अपने गढ़वाल में, अपने उत्तराखंड में, जैसे हमने हम मतलब देख रहे हैं कि कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है और गलत तरह का, लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, बस सुनी बातें बोलते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हमारा कल्चर क्या है, हम कौन लोग हैं, हम क्या थे और हमारा कल्चर कितना बड़ा है, क्योंकि आज हमारी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का महत्व नहीं दिया गया है, जबकि पंजाब में पंजाबी चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, ऐसे हमारे गढ़वाल में गढ़वाली को हमारे कोई पाठ्यक्रम में भी नहीं दिया गया है। पर चलो, मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा और उत्तराखंड तो है ही पर समूचे भारत के लिए भी बताऊंगा और खासकर उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो, हम हिंदू लोग हैं, मेरे जो शब्द हैं उनको अन्यथा ना लिया जाए, पर मेरे कहने का मतलब है कि हम जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोगों को अपने सनातन के बारे में जानना आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम खाली सुनी हुई बातों को
मतलब सुनी हुई बातों को हम रिपीट करते हैं। और आपको मैं आज एक बात बता दूं, ये हमारे गढ़वाल में ही कहावत है कि आंखों और कान में चार उंगली का फर्क होता है। इस तरह से आप कभी भी नापेंगे तो चार उंगली का ही आएगा। तो इसलिए जब तक हमने अपने आंखों से पढ़ा नहीं और हमने उसे समझा नहीं, तो हम अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ भी बोल नहीं सकते। और हम तब तक हिंदू भी नहीं जब हम उसके बारे में जानते नहीं। इसलिए रामायण पढ़ो, अपने वेद निषाद जितने भी है हमें ये पढ़ना चाहिए। और आजकल के लोग लड़के जैसे भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हैं। वो बहुत ही मतलब एक निंदनीय भी है, क्योंकि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश का विकास बहुत पहले हो चुका था। आज तो हम इसको विकास मानने पर, ये विकास इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी कि जो हमें नतमस्तक कर देती है कि आखिर ये बना कैसे होगा। अभी सर जैसे हम भी अपनी कोशिश पे लगे पड़े हैं, आपके साथ साथ मैं भी अब हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि मैं गढ़वाली में बात करूँ, क्योंकि मैं एक गढ़वलचो हूँ। चाहे कोई समझा चाहे ना समझा, पर मैं गढ़वाली में बात कर दूँ। अब जो हमारे रेडियो 90.8 FM रेडियो गढ़वाणी, तो भी हमारा सोच ही और जो हमारा MD भटजी भी सोच ही कि हम अपनी बोली भाषा और अपनी संस्कृति जीवित रखा। और जन की आप देखना वाला कि आप हर जगह बैठे गए, रेडियो स्टेशन खुलन बैठ गए, पौड़ी भी खुल गया है, हमारे कोरदार में खुल गया है, हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप स्टूडियो में आओ या कहा रिकॉर्डिंग करो और अब तक आगे बढ़ाओ। और ये जो रेडियो स्टेशन जो तक मिल गया, चलो है कि नहीं, ये रेडियो स्टेशन पर आप हर खबर मिल सकती है। कृषि वाणी हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, कोई भी क्षेत्र, मतलब इतनी छोटी उम्र की जो हम नीचे बीतरा। अभी जब हम बोल दो कि जी हम तक गवर्नमेंट ने कोई योजना नहीं दिया, तो जब का योजना चाहनी चाहिए, अगर तुम हमारे कृषि वाणी हो गया ही या स्वास्थ्य हो गया ही, वो एक थोड़ा सा अगर सुनना चाहो तो आप तक हर चीज की जानकारी मिल रही है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा। आप देखो, अभी तक मैं हिंदी में बात करना चाहे, मैं यहाँ खोलने करना चाहे, मैं ऊँ ही लोगों ते ये बताना चाहता था कि हमें हमारे भी प्लान में चाहे हम भी अपर गढ़वाल छोड़ी कर बहर चल गया चाहे, और बहर जाकर हम भी अपर कल्चर से भूला नहीं। चो आज भी बिल्कुल स्पष्ट हम मतलब अपर गढ़वाल भाषा थे कि बोल सकते हो और समझ सकते हो। हाँ, पर बोलना मतलब ये हो कि मैं सब लोग होते मैं यार एक संदेश कि अपर संस्कृति थे कि भूलो ना, और अब मतलब कोशिश करा कि अब हमारे जो गढ़वाल से ये गढ़वाल एथर बढ़ यख प्लान रुक, और गढ़वाल जो हमार छाए है ना आज भी वन रहा। और देखो मैं आप तो बता दें कि सबसे और एक और मजे की बात बता दें कि यख बड़े बहुत बड़ा बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा बड़ा सचिव, बहुत बड़ा बड़ा ISPCS आज ये गढ़वाल बेटे की निकले थी, है ना। और जो निकले जी आप दिखना, तो आप जगना तो सपोज हम अजीत डोवाल जी से देखना। हाँ, है कि नहीं, अजीत डोवाल से हमारे स्वर्गीय हमारे जो प्रथम CDS है स्वर्गीय बिपिन रावत जी, है आप देखो ना, योगी आदित्यनाथ जी थे, देखो देखो ये सब ई मिट्टी बटर निकले आती ना, और जो ई मिट्टी बटर निकल वो एक फौलादा बराबर निकल है, क्योंकि आज आर्मी में भी आप निकला तो गढ़वाल राइफल बहुत है, गढ़वाल रेफल हो गया, हमारा कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, टॉप का चिन्ह अभी भी, अभी मतलब एक नंबर पर चल। और आज भी देखो भाई बहनों कितना प्लान होने के बाद भी आज हमारे लोग गढ़वाल में थी, जैसे कि हमारे संस्कृति थोड़ा जिंदा छे। और हमारे भाई साहब है ना, मतलब मैं आप लोग धन्यवाद लेकर बता दो ज्यादातर कि आप लोग अपर गढ़वाल थे कि अपर अपनी बोली अपर भाषा अपर जो भी हमारे संसाधन चीज थे आप बढ़ाना काम करना छो। बिल्कुल, अभी भी मैं अभी जन आप जगना वाला कि मैं अभी एक अपने यूट्यूब चैनल जैम की देवभूमि कटबोली नाम से, एक दीपक देव सागर नाम से, और मैं अन्यथा और चीजों को मैं काम करना चाहो। अभी हमारे एक नए सीरीज आनी चाहिए कलजुगी कुटुमदारी, कलजुगी कुटुमदारी का जो राइटर छोड़ कृष्णा भगोड़ जी, और जो हमारा जो प्रोड्यूसर छे नो विकास कुरियाल जी, और वही कलजुगी कुटुमदारी अगर आप लोग देख लिया तो पहले तो हंस लिया, फिर एक बात सोच लिया कि एक मतलब क्या है, कि आजकल ये कलजुगी कुटुमदारी हो चुकी है। आप अभी बात कर रहे कि हमारा जी वेस्टर्न फैशन हो गया, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी नई सोच के बच्चे हैं, अगर वो अच्छी बात सोचना चाहिए चलो वेस्टर्न करना चाहिए, पर मैं तो बोल दूँ कि ना तो वह साड़ी को पल्लू तो छुपाओ नवी चुनी तो छुपाओ, अजी तुम अपनी इज्जत बचाओ, अजी तुम अपनी इज्जत बचाओ, कि
हम के इतना गरीब ऊंचाई तो वे हालत देखे इंजा के भाई यार ये का थेवद रहे अच्छे ये पेंट चिरी थी हमला भी गरीब छ और आज के डेट पर हम जब वहां से जे हम दूर पे जाते हो जानो और चिरे कपड़े पहन पे जानो ये पढ़ो हमें तो बड़ी अफसोस हो क्यों तो सुंदर कम के जिनो यार वो कपड़ो तो धोंदा कम के जिना ये बहुत बड़ी बात है और हां ये बात समझड़ा कोशिश कर रहा देखो आज आदि खैर इन भी वही क्या आदम पूरा कपड़ा पहनने चोर आज महिला कपड़ा वो कम घट जाना चाहिए ना ये भी बहुत बुरी बात है क्योंकि हम क्या एक पर्सनल जिंदगी बनी बना चुके हैं कि हमारे जो संस्कृति है देखो तुम देखना होता कि अभी यूएसए बटा कि बहुत सारे लोग चाहिए ना कि अमेरिका तक बहुत भैरक कंट्री तक हमारे इंडियन कल्चर था अपना बैठ गई वो साड़ी धोती इन चीज पहन बैठ गई और हमारा बच्चा अंग्रेज बन बैठ गई हम अंग्रेज तब बन सकते कि जब हम उन जगह भेजा और अगर हम उन जगह भेजा तो हम बोल दो बल एक छोटी सी कहावत बल बंद मुठ्ठी लाख की खुल गई तो खाक की तो अब साफ आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना पर्सनली नहीं बोलना चाहूँ ये तक मैंने थना लिया कि मतलब कि दीपक भाई के बोलो या और भाई साहब चैनल पर में भी डाल दिए छोटे छोटे जो कट चेनो कट दूर में आते हैं आप अपने चैनल पर डाले तो ये कल जो कुटुंब दर्द भी जरूर देख रहा है ये सत्यु की कुटुंब दर्द भी जरूर देख गया जो हम आप पर आप बात करना चाहो और प्लीज उत्तराखंड की बोली भाषा से जीवित रखना करना हमारे साथ दिया और कब तक रहा लाइव कलाकार बचा कब तक रहा लाइव कलाकार बचा जो अपने बोली भाषा से बचाना रहा और कब तक नेक जी रहा बचा कि जो अपना गीत माध्यम से तुम तक अपने बोली भाषा सुना रहा वहाँ दात नथ पैर की बोल देते कि हम तो पहाड़ी हैं बोला हम तो पहाड़ी नहीं है हम है गढ़वाली हम है उत्तराखंडी अरे हमारे पहाड़ हम तो बल गुणी बांधर रहने हमारे पहाड़ों में तो बल गुणी बांधर रहने हम तो गारो मर रहा कोरदार का पूरी बात ना कोरदार प्लेन सब है सब बोल दिन बोले पहाड़ से आ रखे हैं हम तो पहाड़ी नहीं है भाई हम तो उत्तराखंडी है हाँ अगर कोई भैरा यूपी वाला हमको बोल रहा है कि तुम पहाड़ी हो तो हमें गर्व होता है कि हम पहाड़ी हैं पर अगर कोई गढ़ो है हमको बोल रहा है कि यार तुम पहाड़ी छो तो इन लगन की बूंदे कोई अपने बुआ बूढ़े बनो वाले बुढ़िया ही नहीं इन पुर लगन देते मेरा लगन पुर और तो लगे ना लगे पर प्लीज आप लोगों से यह चाहिए कि अपने बोली भाषा और अपने जो भी हमारे संस्कृति कल्चर वो एक कल्चर तक बिगड़ना दिया हमारे साथ दिया धन्यवाद नमस्कार तो दोस्तों आप लोग देखो हमारे दीपक देव जी बात कर लगी यो हमने कमेंट में बताया है ना और जरूर हमारे चैनल से लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मैं बोलते मतलब आप तमिल पहले भी बोला मैं लास्ट में एक बार और बोलूं तो कि सुरेश चंद्र ब्लॉग्स नाम से मेरे चैनल से और मैं उत्तराखंड ना पूरे भारत के बारे में मैं एक मतलब यात्रा करना चाहूँ छो और भारत का दर्शन कराना चाहूँ छो क्योंकि नेता लोग भी बहुत बोलते कि विकास कर हर राज्य बुद्ध की विकास कार्य पर आखिर भारत कक्ष की स्थिति पर से वो मैं आप लोगों को बताना कोशिश कर लो दोस्तों मैं पुनः एक बार गढ़वाणी रेडियो गढ़वाणी 90.8 एफएम दिल से धन्यवाद और आभार कर प्रकट कर दो कि ये एथरबर्ट रहा और हम लोग भी जो ऐसा कल हम भी उदगड़म चाहिए है ना पर आप लोग जरूर सपोर्ट करें सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज 90.8 एफएम रेडियो में आना पुणे की और आप भी आना रहे हैं और जितने भी हमारा छिद्रे कलाकार छी ये ब्लॉग अगर हर तक पहुंचा लो तो अगर कोई भी बंदा कोई भी लड़का लड़की कोई भी भाई बहन छी हमारा कि जो अपने कला को प्रदर्शन करना चाहना छन तो आ सकते अपन रिकॉर्डिंग करा सकते रिकॉर्डिंग करके जा सकते कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगर कोई आरजे भी छ तो पक्का हमसे कॉन्टेक्ट करें मैं नंबर छ 8755582978 तो आप कॉल कर सकते हैं मैं और बाकी भाई जी भी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल देना तो अगर कोई आरजे बनने कोशिश करूँ या आरजे बनना चाहूँ या कोई आरजे अच्छे हैं कोटद्वारा का नज़दीक या कोई नज़दीक का भाई बहन हमारे तो पक्का हमसे कॉन्टेक्ट करें धन्यवाद नमस्कार चैनल तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें न तो देख लिया गड्डियों खचिया दूँ थैंक यू